लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर को तो आप जानते ही होंगे। उन्हें बॉलीवुड में उनकी फिल्मों में बोल्ड अवतार के लिए जाना जाता है। आपको हम शिल्पा के बारे में आज कुछ बातें बताएंगे। शिल्पा पहले से काफी अलग दिखती हैं। पहले तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें वह पहचान में आ गई। वक्त जैसे जैसे बदलता है, वैसे ही इंसान भी बदल जाता है। ऐसा ही शिल्पा शिरोडकर के साथ हुआ है। बता दें कि शिल्पा को स्टाइलिस्ट शाइना नाथ की वेडिंग पर देखा गया है। वह उनकी वेडिंग सेरेमनी अटेंडेंट करने पहुंची थी, तभी उन्हें वहां पर देखा गया। शिल्पा बॉलीवुड की अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया नम्रता शिरोडकर की बड़ी बहन है। मशहूर मराठी अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर की पोती हैं। आपको बता दें कि शिल्पा ने अपने परिवार के लिए बॉलीवुड से 13 साल का ब्रेक लिया हुआ था। शिल्पा ने 13 साल बाद जीटीवी के शो एक मुट्ठी आसमां से छोटे पर्दे पर वापसी की। यह सीरियल 2013 में शुरू हुआ था और यह सीरियल 2014 में बंद भी हो गया था। शिल्पा ने इस शो के बाद स्टार प्लस के शो सिलसिला प्यार में काम किया। शिल्पा ने बॉलीवुड में रमेश सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार से कदम रखा था। यह फिल्म साल 1989 में आई थी। शिल्पा के साथ इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रेखा थे। इस फिल्म में शिल्पा ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था। शिल्पा ने इस फिल्म के बाद बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जैसे किशन कन्हैया, पहचान और मृत्युदंड। इन सब फिल्मों में काम किया। शिल्पा ने 11 जुलाई 2000 को मुंबई में काफी सिंपल तरीके से अभिषेक रंजीत के साथ शादी के बंधन में बंध गई। अभिषेक रंजीत एक यूके बेस्ड बैंकर हैं। शिल्पा के घर साल 2003 में एक छोटी सी प्यारी से बेटी ने जन्म लिया। शिल्पा ने अपनी बेटी का नाम अनुष्का रखा।